संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो धीरे 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 आपको आपके लक्ष्य के नज़दीक लाने का यहाँ प्रयास ये कर रहे होंगे। वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं, ये दूसरी बात है। कोशिश है धीरे धीरे आपको वीडियो मुहैया कराते रहें। तर्क भाषा चल रहा है, तर्क भाषा में हमने प्रत्यक्ष को बड़े अच्छे से जान लिया है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद में अनुमान प्रमाण आता है, जो न्याय शास्त्र का एक मूल माना जा सकता है, आधार माना जा सकता है, क्योंकि न्याय शास्त्र बिना अनुमान के चल ही नहीं सकता। तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, दो तीन चीजें निकल के आती हैं इसमें। तर्क भाषा है, अनुमान, ठीक है ना, प्रमाण। अनुमान प्रमाण को अन्वीक्षा और बोला जाता है, अन्वीक्षा, ठीक है। क्या बोला जाता है? अन्वीक्षा। एक वात्स्यायन हुए हैं, वात्स्यायन ने बताया है कि जो अनुमान प्रमाण है, याद रखना थोड़ा सा, अनुमान प्रमाण वो किसके बाद आता है? प्रत्यक्ष और आगम, इनके ज्ञान के उपरांत ही अनुमान प्रमाण को माना जाता है। अर्थात अनुमान प्रमाण से किसी वस्तु का जब ज्ञान होगा, वो पहले इन दोनों से ज्ञात हो चुका होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष से या आगम से। थोड़ा इसकी वीडियो बीच में रोकना पड़ा, इसकी बैटरी डाउन हो गई थी। खैर, बैटरी चार्ज करने के बाद फिर दोबारा से आपको थोड़ी सी फिर चर्चा करता चलूं। तर्क भाषा है, अनुमान प्रमाण है, अन्वीक्षा, अनुमान को ही अन्वीक्षा बोला गया है। अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित होता है, अर्थात प्रत्यक्ष और आगम जो बता देगा उसके बाद अनुमान प्रमाण प्रयोग करेगा उसी को, इसीलिए इसको अन्वीक्षा कहा गया। अन्वीक्षा का मतलब ईक्षित, यानी प्रदर्शित जो अर्थ हैं उसी पर आश्रित, उसको अर्थ को प्रदर्शित करना, ठीक है। प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा जो ईक्षित हैं यानी प्रदर्शित हैं, उन्हीं अर्थों की अन्वीक्षण करना अनुमान कहलाता है, या अन्वीक्षण करने वाला अनुमान कहलाता है, या अन्वीक्षा कहलाता है। न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र जो है अनुमान प्रमाण के द्वारा ही पूरा प्रयोग करता है, अपनी जो जो बात बतानी है उसको। और इसीलिए, क्योंकि अन्वीक्षा के द्वारा ही प्रयोग किया जाता है इसमें सारी बातें, इसलिए इस शास्त्र को आन्वीक्षिकी भी कहा जाता है, ठीक है। अब कभी कभी आता है कि आन्वीक्षिकी क्या होता है, तो आपको याद रखना है आन्वीक्षिकी जो होता है वो न्याय शास्त्र के लिए ही प्रयोग किया जाता है। दोबारा से फिर बता दूं, अन्वीक्षा यानी अनुमान के द्वारा न्याय शास्त्र प्रयुक्त होता है, अर्थात इसमें जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान प्रमाण है, और भी जो भी प्रमाण है उनमें अनुमान प्रमाण को मुख्य रूप से न्याय शास्त्र का प्राण मान सकते हैं आप, ठीक है। और वो किसके द्वारा होता है? प्रत्यक्ष और आगम पर आश्रित होने के कारण। जैसे अनुमान को अगर व्याख्यात करें तो अनु उपसर्ग है और मा धातु से प्रयोग किया गया है, इनका मतलब होता है मान का, यहां जो तात्पर्य किया गया ज्ञान, यानी जो ज्ञान का अनुसरण करे, तो ज्ञान हमको प्राप्त हुआ प्रत्यक्ष से या आगम से, उसका जो अनुसरण करता है, उसको जो सिद्ध करने का प्रयास करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें ले लें, मैं इसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, क्योंकि ये बड़ी उलझी हुई चीजें होती हैं और साधारण भी होती हैं, लोग ऐसे समझ लेते हैं इसको। प्रत्यक्ष कैसे है, अनुमान और प्रत्यक्ष में संबंध थोड़ा सा बताता चलूं। जैसे पर्वत में किसी ने अग्नि देखी, धुआं देखा तो अग्नि का अनुमान लगा लिया।
अब अग्नि का अनुमान, ये मैं बहुत पहले भी बता चुका हूं, अनुमान हम उसी चीज का कर सकते हैं जो इंद्रियों के द्वारा पहले से कहीं ना कहीं सन्निकर्ष रहा हो, इंद्रियों से संपर्क में रहा हो। तो धुआं से अग्नि का जो अनुमान हुआ है उससे पहले प्रत्यक्ष कब हुआ? रसोई घर में, महानस में। बार बार जाने पर जब जब देखा उसने धुआं और अग्नि का संपर्क देखा, तब उसको यह ज्ञान हो गया प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष प्रमाण से, कि धुआं होता है जहां वहां अग्नि होती है, जहां अग्नि होती है वहां धुआं हो, यह जरूरी नहीं है। क्योंकि धुआं जो होता है वो गीली लकड़ियों के कारण होता है, अर्थात लकड़ी में जो पानी होता है उसके कारण होता है। तो धुआं जब भी होगा तो अग्नि प्रमाणित हो जाएगी। तो अनुमान से प्रत्यक्ष हमको रसोई घर में हो गया। इस तरह से यह अनुमान प्रमाण जो होता है, पहले से जो प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान होता है उसका पीछा करता है, इसलिए अनुमान शब्द प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा और आगे चर्चा करें। समझ में आ जाएगा, न्याय शास्त्र को आनवीक्षिकी कहा जाता है। आनवीक्षिकी को भूलना नहीं है, क्योंकि आनवीक्षिकी शब्द बहुत आता है अर्थशास्त्र जब अध्ययन करेंगे, और कब करेंगे ये नहीं मैं बता सकता, भविष्य में कभी भी करेंगे, उसमें आनवीक्षिकी की विद्या के रूप में माना गया है। अब चलते हैं हम सीधे सीधे इनकी परिभाषाओं पर, परिभाषाओं के द्वारा इसको समझाया जाएगा। जैसे अनुमान के बारे में बोला जाता है कि अनुमान क्या है, इसमें बोला गया है लिंग परामर्शो अनुमानम। ठीक है, लिंग परामर्श को ही अनुमान कहते हैं, अर्थात लिंग परामर्श जो है, लिंग परामर्श याद रखना है आपको, अनुमान क्या आ जाए कभी आ जाए कि परामर्श क्या है, तो लिंग परामर्श ही अनुमान है, लिंग परामर्श ही अनुमान है, बस इतनी सी बात है। अब आगे चर्चा चलती है इसमें, लिंग परामर्श अनुमान है तो बोला है ये नहीं, ऐसी बोल देता हूं हर चीज लिखनी सही नहीं है, ये नहीं अनुमियते तद अनुमानम, अर्थात जिससे अनुमति की जाए वह अनुमान है। पहले बोला इन्होंने कि लिंग परामर्श अनुमान है, फिर कह रहे हैं कि ये नहीं अनुमियते तद अनुमानम, जिससे अनुमति की जाए वह अनुमान है। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं लिंग परामर्शेन अनुमियते, अर्थात लिंग परामर्श के द्वारा ही अनुमान किया जाता है, अतः लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग परामर्श ही अनुमान है, इस तरह से इसमें बोला गया। अब आती है तीन दूसरी चीज, परामर्श क्या है। लिंग तो हम जानते हैं कहीं ना कहीं, लिंग मतलब चिन्ह है, परामर्श नहीं पता और हमको अनुमति नहीं पता, तो इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। धूमादि ज्ञानम अनुमिति प्रतिकरणत्वात्। ठीक है, मतलब धूमादि ज्ञानम अनुमति प्रतिकरणत्वात्। धूमादि का जो ज्ञान है वो लिंग परामर्श है, अर्थात इसको मान के चलिए पूरा। धूमादि का जो ज्ञान है, यहां लिंग सीधे शब्द प्रयोग किया गया है, लिंग परामर्श, लेकिन परामर्श इसमें भी केवल परामर्श का ही प्रयोग कर सकते हैं आप, वो आगे चर्चा चलेगी तब बताएंगे। धूमादि ज्ञान, धूमादि का जो ज्ञान है वो सीधे सीधे लिंग परामर्श है, या धूमादि का जो ज्ञान है वो केवल परामर्श है। धूम क्या हो गया, उसमें लिंग हो गया, उसका जो ज्ञान है वो परामर्श है। अब समझ में आ गया होगा, तो यहां पर हम परामर्श के बारे में चर्चा कर रहे हैं। धूम आदि यानी धूम तो चिन्ह हो गया, लिंग हो गया, लेकिन उसका जो ज्ञान हुआ वो परामर्श कहलाता है। लिंग आदि धूम आदि ज्ञान परामर्श है, अनुमति प्रतिकरणत्व, जो कि अनुमति के प्रति करण है, याद रखना है। अनुमति के प्रति क्या है, करण है, क्या करण है, धूम आदि ज्ञान। धूम आदि ज्ञान के सहारे से ही जो अग्नि है उसका हमको पता चलता है। तो धूमादि ज्ञान क्या हो गया, परामर्श हो गया, और वह अग्नि के प्रति क्या हो गया, करण हो गया। फिर बात आती है अनुमति क्या है, तो इसमें बोला गया है अग्नि आदि ज्ञानम अनुमति। तत्करणम
आदि ज्ञान, ठीक है। मतलब अग्नि आदि ज्ञानम अनुमति, यहां पे बताया कि धूम आदि का जो ज्ञान है वो परामर्श हो गया, अग्नि आदि का ज्ञान क्या हो गया, अनुमति हो गया। और वह किसकी प्रतिकरण है, वो धूम आदि ज्ञान के प्रतिकरण है। अब थोड़ा सा इसमें उलझा हो गया, मैं यहां एक चार्ट टाइप में बना दूंगा आपको तो बात समझ में आ जाएगी आपके। देखिए, अनुमान, ठीक है, अनुमान जो है वो एक चीज लिए हुए है, लिंग परामर्श, लिंग परामर्श को अनुमान बोला गया है। अब बात आती है कि लिंग परामर्श में, लिंग परामर्श में परामर्श क्या है, अनुमान हो गया लिंग परामर्श, तो परामर्श के लिए प्रयोग किया गया है, परामर्श के लिए प्रयोग किया धूम आदि ज्ञान, धूम आदि ज्ञान, ये परामर्श हो गया। और इसका जो करण है, करण किसका हो गया, ये करण हो गया अनुमति का, अनुमिति, अनुमति नहीं अनुमिति, ये करण हो गया। फिर आती है कि अनुमिति क्या है, अनुमिति क्या है, अनुमिति क्या है, इसमें बोला गया है कि अग्नि आदि का ज्ञान, अग्नि आदि का ज्ञान क्या हो गया, अनुमति हो गया अग्नि आदि का ज्ञान। और वो करण किसके प्रति है, इसको थोड़ा याद रखना है हमको, ये है धूमादि ज्ञान के प्रति, ठीक है। अनुमान, लिंग परामर्श, परामर्श धूमादि ज्ञान, अनुमति अग्नि आदि का ज्ञान, ये इतनी सी बात है बस। तो जो अंतिम व्यवस्था है वो अनुमान की, हमको उम्मीद है ये परिभाषा समझ में आएगी। अगर अनुमान कभी आ जाता है कि अनुमान क्या है, तो लिंग परामर्श अनुमानम, तर्क भाषा के अनुसार। दूसरा आ जाता है कि अनुमान परामर्श क्या है, तो आया धूम आदि ज्ञान परामर्श, मैं अपनी तरफ से परिभाषा बता रहा हूं, उसमें नहीं है, इस तरह से दिया है। फिर आ जाता है अनुमति क्या है, अग्नि आदि का ज्ञान, तो इसमें बोला गया है अग्नि आदि ज्ञानम अनुमति। कभी पूछ लिया कि करण क्या है अग्नि आदि का, जो अनुमति है उसका करण क्या है, तो करण को याद रखना है धूमादि ज्ञान, धूमादि ज्ञान करण है, अनुमति इसमें करण है, किसमें, परामर्श में। इस तरह से ये जो चर्चा थी अनवीक्षा की या अनुमान की प्रमाण की, वो यहां पर खत्म हो जाती है। अब बात आती है फिर लिंग क्या है, और फिर आगे इसमें और चलते चले जाएंगे हम, अनुमान प्रमाण को 2 से 3 वीडियो बनाई जाएंगी, बहुत विस्तृत में है, उसके बाद में हेतु लिए जाएंगे। हेतु कठिन माने जाते हैं, यदि हेतु को आपने समझ लिया उसके बाद में फिर तर्क भाषा समाप्त हो जाए, इसका मतलब 3 से 4 वीडियो के बाद में तर्क भाषा भी अपने अवसान पर चली जाएगी। 1 से 2 बार देखेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने के लिए ज्यादा, थोड़ी सी बात थी जो मैंने समझाने का प्रयास किया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।